दोस्त नमस्कार, आपका दोस्त निरंकार शर्मा स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान की लाइफ पर। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन शानदार वीडियो दिखाने वाला हूं, जो कि इस वीडियो को हर किसान को देखना चाहिए। दोस्तों हमने अभी जो है 10 से 15 दिन पहले अपने खेतों के अंदर एक उपाय करके देखा था, जिस उपाय को हमारे खेतों के अंदर काफी हमें सफलता मिली है। दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, जो उपाय हमने किया था वो किया था हमने नील गाय और आवारा पशुओं से और जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए, जिससे कि हमारी फसलों की काफी सुरक्षा हो सके और हमारे नुकसान को कम किया जा सके। तो दोस्तों जो उपाय हैं वो आज मैं वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। जो चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो ऐसे क्या उपाय हैं, ये हमारा आलू का खेत है, आप देख सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया इसमें जो है आलू हुआ है और जो है हमारे आवारा पशुओं से हमें जो है काफी इसमें निजात मिल रही है। आपको जंगली जानवरों और नीलगायों से तो निजात मिलेगी, आपको जो आवारा पशु इस समय जो फिर रहे हैं, जिससे कि हमारा किसान भाई काफी परेशान है और दुखी है, उससे जो है उनसे भी आपको जो उपाय मैं आज के बताने वाला हूँ उनसे आपको निजात मिलने वाली है। दोस्तों किसान भाई खेती करता है और फसल को जो है अच्छे तरीके से करना चाहता है, उसमें पहले लागत लगाता है और लागत के बाद में दोस्तों काफी उसे जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आखिर में ध्यान देता है कि जो है मुझे कौन से ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि मेरी फसल अच्छे ढंग से हो जाए। तो दोस्तों आवारा पशु और जंगली जानवर और नीलगाय से जो है आजकल बहुत ज्यादा नुकसान है, विशेष तौर से सर्दियों के अंदर ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये जो फसल के अंदर छुप कर रहते हैं और रात में काफी बड़े तौर पर नुकसान करते हैं। दोस्तों मैं आपको आज बहुत ही बेहतरीन तीन आपको जो है ऐसे उपाय बताने वाला हूं, जिससे क्या आपकी फसल में काफी लाभ मिलेगा और आवारा पशु करीब आपके जो है 10 से 15 दिन तक आपके खेतों से दूर रहेंगे। और एक उपाय ऐसा भी बताऊंगा जिससे क्या आपको एक महीने के लिए आपके मतलब जो जंगली जानवरों से आपको जो है निजात मिल जाएगी और आपकी कोई भी फसल का वो नुकसान नहीं करेंगे। तो नंबर एक उपाय मैं बताता हूं, सबसे पहला उपाय दोस्तों ये है, आपको जो है 20 लीटर की टंकी जो हम स्प्रे करते हैं वो लेनी है, उससे दोस्तों उसमें जो है आपको दो अंडों का घोल करना है। दो अंडों का घोल करने के बाद दोस्तों आपको जो है उसके अंदर करीब जो है 200 से 250 ग्राम सर्फ का घोल, सर्फ डाल देना है जो अपने कपड़े धोने वाला हमारे घर पर होता है, वो डालने के बाद में आपको जो है करीब 16 से 17 लीटर आपको जो उसमें पानी डालना है और 20 लीटर के टैंक को आपको वो फुल कर लेना है, और उस टैंक को जो है फसल के चारों तरफ आप स्प्रे कीजिए जो है, और फसल में कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, और अनि तो जो है 10-10 मीटर के दायरे से आप जो है स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या फसल के शुरुआत में जैसे कि आप देख रहे हैं आलू, ये हमने इसके पहले एक कोने पर इसका जो है स्प्रे किया था, ये अगले भरे तक इसे किया, तो इस टाइम क्या खेत में हमारा पशु दाखिल होने से पहले दाखिल होता है, तो उस समय दोस्तों जो है मतलब जो उसमें जब दाखिल हो जाता है तो शुरुआत में उसे दिखता है कि ये तो हमारे लिए भोजन उचित नहीं है, उसमें से उसे जो है अंडे की गंध और सर्फ की गंध आने लगती है। तो सर्फ की जब गंध आती है तो दोस्तों पशु जो है जंगली जानवर पशु आवारा पशु वो हट जाता है और हमारे जो है पशु मतलब उससे जो है हमारे नुकसान जो हमारे लिए कम हो जाता है। तो दोस्तों उसमें आपको आप सोच रहे होंगे कि जो है कुछ साइड इफेक्ट होगा हमारी फसल पर, जो है दोस्तों ये बिल्कुल प्रयोग करा हुआ है, बिल्कुल एकदम मैं आपको उपाय बता रहा हूं, इसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो है दोस्तों अंडे का घोल जो है वो काम क्या करेगा आपकी फसल पर, वो चिपक जाएगा और सर्फ जो है सर्फ जो उस पर चिपकन का काम करेगा, जो अंडा जो है उसके चिपकन का काम करेगा और उसके अंदर से दुर्गंध आएगी सर्फ के अंदर से। तो दोस्तों दूसरा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरा उपाय है जैसे कि हमारे जो है हमारे काफी पहले बुजुर्ग ये उपाय करते थे और मेरे बुजुर्ग ने ही मुझे ने बताया कि ये उपाय आप ये बताइए, और हमने मैंने इससे पहले वही इस्तेमाल जो अपने खेतों में के अंदर किया है। दोस्तों दूसरा उपाय ये है, आपके घर के अंदर जो चूल्हे पे रोटी बनती है या चूल्हे पे दूध गर्म होता है उसकी राख होती है, आपको वो इकट्ठी कर लेनी है। राख इकट्ठी करने के बाद में दोस्तों आपको जो है वो एक बोरे के अंदर भर लेनी है और 8 दिन की राख आपको बोरे के अंदर भरने के बाद में अपने जैसे क्या यूरिया खाद का छिड़काव करते हैं उसी प्रकार से आप जो है अपनी फसलों के चारों तरफ छिड़काव उसका करें, जिससे कि आपके जो है आवारा पशु और जंगली जानवर नील गाय उसकी दुर्गंध से उसके
पत्तों पर जो चिपट जाएगी तो उससे आपके जो है आवारा पशु और नील गायें और सुअर आदि आपके खेतों के अंदर नुकसान नहीं करेंगे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको वो जो है छिड़काव जो करना है राख का जो है चूल्हे की राख वगैरह जो होती है आपकी जो है उसका छिड़काव आपको जो है ओस के समय करना है, जिस समय कि आपके जो ओस रहती है चाहे शाम को कर दीजिए, शाम की ओस जिस टाइम आ जाती है दिन छिपने के बाद, या आपको करीब करनी है वो जो है सूर्य निकलने से पहले पहले जो ओस होती है सुबह की, सुबह में करेंगे करीब 7-8 बजे के करीब करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें जो आपको ठंड भी नहीं लगेगी और जो है ओस भी आपको पूरी मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको तीसरा उपाय बताने वाला हूँ, ये बहुत ही सटीक उपाय है। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा उपाय। दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने जो है पशुओं का गोबर लेना है और हो सके तो दोस्तों आप किसी मुर्गी फार्म पर जाइए और मुर्गी फार्म से 2 से 4 दिन का जो है जो उनकी बीटे होती हैं मुर्गियों की उन्हें आप लीजिए और उसे दोस्तों जो है एक टंकी के अंदर मिलाइए, उसका घोल कीजिए और स्प्रे से जैसे स्प्रे आप करते हैं अपना जो है छिड़काव करते हैं मतलब जो है कीड़ों का मतलब जो मारने का जो उपाय करते हैं उसी प्रकार से उसका स्प्रे मशीन से उसका छिड़काव कीजिए पानी के साथ में। उससे क्या होगा दोस्तों आपके जो मुर्गी की जो दुर्गंध होती है मुर्गी के बीटों की और आपके पशुओं की तो वो उसे बिल्कुल नहीं खाएंगे आवारा पशु और नील गायें, तो जिससे क्या आपके फसलों की काफी जो है आपको काफी लाभ मिलेगा। और ये उपाय दोस्तों ऐसा है मुर्गी के जो बीटों वाला, क्योंकि मुर्गी की बीटें कमी मिलती हैं, मुर्गी फार्म कमी हमारे देखने को मिलते हैं, हर जगह ये उपाय नहीं सक्सेस हो सकता, तो आप अपने पशुओं का गोबर लेकर इसे कर सकते हैं। मुर्गी की बीटों का जो उपाय हो जाए तो ये तो बहुत बढ़िया है, उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, उससे हमारे खेतों में नील गायें बिल्कुल नहीं आएगी, आवारा पशु बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो भी जंगली जानवरों की श्रेणी में आती है और उसकी दुर्गंध बहुत खतरनाक होती है, उससे क्या होगा कि वो दुर्गंध आएगी तो उससे जो खाने पर एकदम वो हट जाएंगे। दोस्तों एक उपाय और है लेकिन वो हर जगह सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो हर जगह नहीं मिल पाती है, तो आपको मैं बता दूं कि जो सींग का जो खाद होता है सींग के खाद से भी उसका छिड़काव कर दें हमारे खेतों के अंदर, आपको 1 एकड़ के अंदर मात्र 2 किलो सींग का खाद का छिड़काव कर देंगे, उसके दुर्गंध से भी हमारे जो आवारा पशु और जो है जंगली जानवर लीन गाय के प्रकोप से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के उपाय आपको काफी पसंद आए होंगे, क्योंकि किसान भाई दोस्तों काफी परेशान रहता है, तो मैंने तो ये उपाय किया मुर्गी के अंडों वाला और जो है सरफ वाला मैंने स्प्रे कर दिया, तो दोस्तों मुझे तो काफी जो है अपने खेतों के अंदर इन आलुओं के अंदर काफी मुझे जो लाभ मिला है, जो पहले नुकसान शुरुआत में हो गया था वही नुकसान हुआ है, बाद में तो अब तक कोई नुकसान नहीं है। मैं 15वें दिन जो है इसमें स्प्रे कर देता हूँ, जो है 2 अंडे लेता हूँ 1 टंकी के लिए, तो आप हम देख सकते हैं ये आलू का खेत हमारा लगभग जो है 8 से 10 बीघे का यह पूरा आलू का खेत है, तो इसमें लगभग हमारे जो है 10 अंडे लग जाते हैं और जो 1 किलो सरफ की लागत लगती है। तो दोस्तों बात करूं तो मैं इसकी लागत की तो लगभग जो है 50 से 100 रुपए में आप जो है अपने जो है खेतों के अंदर जो छोटे किसान है तो आप 50 से 100 रुपए के अंदर ही अपने आवारा पशुओं से और जंगली नील गायें वगैरह से आप जो है मुक्ति पा सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल भी अच्छी होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपकी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो वीडियो अच्छी लगे और उपाय आपको अच्छा लगे और आपको आराम हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।